अगर आप भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा टॉप 10 कंपनी कौन सी है जिस कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं और आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। यह बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 10 कंपनी के बारे में जहाँ पर आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो टॉप 10 में 10वें नंबर की आपकी कंपनी है महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बता दें हम 96,241 करोड़ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा ये जो है आपके मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल के पार्ट, मशीनरी के पार्ट और तमाम सारे व्हीकल्स के पार्ट को बनाती है। सैलरी की बात करें तो इसमें जो आपका सैलरी रहता है वो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों का 2.4 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होता है। इसके जो जॉब की आपको इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लिंक्डइन या फिर naukri.com इत्यादि जितनी सारी वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाता है। टॉप 9 की कंपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है सीमेंस, जिसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में है, जो कि बेसिकली आपकी पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। टॉप 8 की कंपनी की हम बात करें तो टॉप 8 की आपकी कंपनी का नाम है थाइशन क्रप जो आपकी कंपनी है, ये इसकी सैलरी पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2.5 लाख से लेकर के और 10 लाख तक की सैलरी को ऑफर करती है। मतलब कि जितना ज़्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट होती जाएगी। टॉप 7 की कंपनी बात करें जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होती है वो है आपका जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स आप लोग के ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाती है, कमर्शियल व्हीकल्स के पार्ट बनाती है और मोटर्स से रिलेटेड सारे काम को करती है। तो जनरल मोटर्स की अगर हम बात करें तो 1.7 लाख से लेकर के और 2.5 लाख तक की सैलरी जो है ये फ्रेशर्स को ऑफर करती है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोग के टॉप 6 कंपनी की तो टॉप 6 कंपनी आपका आता है किर्लोस्कर। किर्लोस्कर की बात करें अगर तो किर्लोस्कर जो आपका ग्रुप है यही जो सैलरी पैकेज आपका देती है, स्टार्टिंग पैकेज आप लोग की 2.6 लाख से स्टार्ट होता है और ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरव्यू को कितना ज़बरदस्त देते हैं। यहाँ पे ये सैलरी पैकेज आपके 2.6 लाख से स्टार्ट करती है और ये आपका 4.6 लाख तक जाता है। अब बात करें अगर आपके टॉप 5 कंपनी के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो वो है आपका अशोक लीलैंड, जो कि बेसिकली आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाती है। सैलरी पैकेज की बात करें तो 1.3 से लेकर के 3.5 लाख पर ईयर तक की सैलरी पैकेज ये ऑफर करती है। बेसिकली हम जानते हैं कि जितने सारे उत्तर प्रदेश के कॉलेज हैं या फिर तमाम सारे जितने इंडियाज़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, मैक्सिमम पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अशोक लीलैंड आपके प्लेसमेंट के लिए जाती है। उसके बाद बात करें अगर हम टॉप 4 के कंपनी के बारे में तो टॉप 4 आपकी कंपनी है गोदरेज, जिसका आपका मेन प्रोडक्ट होता है एरोस्पेस, इसके अलावा एग्रीकल्चरल, कंज्यूमर गुड्स और केमिकल्स से रिलेटेड काम को करती है। स्टार्टिंग सैलरी पैकेज इसका 2.5 लाख रहता है और आपका 4 लाख तक इसकी सैलरी जो है फ्रेशर्स के लिए वेरी करती रहती है। तो ये आपके तो टॉप 4 की कंपनी रही गोदरेज। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 3 की कंपनी के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा हायर करती है तो आपका टॉप 3 में आता है L&T। और L&T जो है आपके इलेक्ट्रिकल के हीवी इक्विपमेंट रिलेटेड काम करती है, मशीनरीज को बनाती है और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसकी जॉब की नोटिफिकेशन निकलती रहती है। 2.5 लाख इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है और 4 लाख तक ये वेरी करता रहता है। जैसा आपका पोस्ट रहता है उसी हिसाब से यहाँ पे सैलरी पैकेज भी डिफाइन रहता है। तो ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 3 कंपनी है L&T। टॉप 2 कंपनी का अगर हम बात करें तो टॉप 2 कंपनी आप लोग का थर्मैक्स है, जिसका हेडक्वार्टर आप लोग का पुणे में है। इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में ये बनाती है आप लोग के हीटिंग से रिलेटेड और कूलिंग से रिलेटेड। सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा रहता है और अप्रॉक्सीमेट थर्मैक्स का जो सैलरी पैकेज रहता है 3 लाख से स्टार्टिंग रहता है और 4.5 लाख तक ये चीज़ें आपकी वेरी करती रहती हैं। अगला हम बात करें आप लोग का तो अगला है आप लोग का टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप आपका है 1 की मैकेनिकल कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपका बॉम्बे में है। ये जो है आप लोग के IT सर्विस से रिलेटेड काम करती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करती है तथा रियल इस्टेट का कारोबार करती है।
टाटा ग्रुप का जो सैलरी पैकेज होता है वो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आप लोग का 3 लाख से स्टार्ट होता है और आपका 5 लाख तक इसकी सैलरी पैकेज रहती है। इसकी भी जॉब की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप एक बार हमें कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें यह भी बता दीजिएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।